तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी बहनों को लेके एक बहुत बड़े अपडेट को। दोस्तों, वो अपडेट है रिकरिंग डिपॉजिट खाता खोलने को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आरडी खाता खोलते हैं तो आपको आपके पार्टनर बैंक एजेंसी के द्वारा अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी आधार कार्ड के द्वारा पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, उसमें कमीशन सबसे कम है। अगर आप किसी भी ग्राहक का इंश्योरेंस करते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट खोलते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं तो आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा किस तरीके से आप रिकरिंग डिपॉजिट खाता खोल के बड़े आसानी से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नियमित बचत के लिए विश्वसनीय और पसंदीदा निवेश साधनों में से एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। जो निवेशक कम से कम जोखिम लेना चाहते हैं उनके लिए रिकरिंग डिपॉजिट खाता बेहतर है। आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचा सकते हैं। डाकघर घर में आरडी खाता खोला जा सकता है अगर वहां बचत खाता है तो। अगर आपका नहीं है पोस्ट ऑफिस में तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बैंकिंग कस्टमर सखी बहनें आपके साथ हैं, वो आपका खाता खुलवा के बड़े आसानी से आपको मोटा मुनाफा दिलवा सकती हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आजकल गांव घर में छोटे छोटे फॉर्म बना के लोग ज़्यादातर लोगों से रोज 10 या 20 रुपये ऐंठते हैं। ऐंठना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसमें अपना मोटा रकम भी गंवा चुके हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने बैंकिंग सखी के पास जमा कीजिए। बैंकिंग सखी एक सरकार द्वारा एग्रीमेंट की गई पार्टनर बैंक एजेंसी का बैंक मित्र होता है। वहाँ पर आपका पैसा नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि बैंक मित्र यानी कि बैंक सखी आपको संबंधित बैंक से आरडी पासबुक भी आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके से आपको इसके सारे सवालों को जवाब देना है अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को, ताकि आप एक विश्वसनीय बैंकिंग सखी बन सकें, विश्वसनीय बीसी सखी बन सकें। जैसे कि अगर आपके कस्टमर आपसे पूछते हैं कि सर रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट सामान्य बैंक डिपॉजिट में थोड़ा अलग है। रिकरिंग डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट की तरह सुरक्षित होते हैं। इसमें निवेश को हर महीने एक निश्चित अवधि तक कुछ पैसे जमा करवाने होते हैं। जब यह स्कीम में मैच्योर हो जाती है तो निवेशक को उसकी जमा पूंजी ब्याज समेत मिल जाती है। दोस्तों, एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट में अगर अंतर जानना चाहें तो रिकरिंग डिपॉजिट में ब्याज तिमाही या फिर मासिक आधार पर मिलता है, जबकि एफडी में मैच्योर होने पर ब्याज मिलता है। एफडी में जहां आपको एक बार पैसा जमा कराने होते हैं उसके बाद किसी तरीके की झंझट नहीं रहती, वहीं आरडी में आपको लगातार पैसे देने पड़ते हैं। दोनों ही डिपॉजिट में आप ज़रूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रिकरिंग डिपॉजिट के ब्याज की तो 5.5 से लगभग 6% और सीनियर सिटीजन को 50 आधार अंकों की अतिरिक्त ब्याज दरें देने का फैसला किया है। बैंकों ने रिकरिंग डिपॉजिट को लेकर आने वाले समय में बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिसमें आप एक रिकरिंग डिपॉजिट खाता खुलवा के बड़े आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिकरिंग डिपॉजिट कितने साल की होती है तो आपको बता दूं कि अधिकतम 5 साल के लिए खोला जाता है और इसमें आप कम से कम 1 साल के लिए अपना पैसा आपको बैंक के पास रखना होगा। अगर आप 1 साल के लिए रखते हैं तो लगभग 5.8% का ब्याज मिलता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आने वाले समय में आप अगर 5 साल तक रखते हैं तो आपका पैसा काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं बात करूं कि रिकरिंग डिपॉजिट के और क्या फ़ायदे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि बैंकों की रिकरिंग डिपॉजिट रेगुलर छोटी बचत का एक सेफ और बेहतर तरीका है। किसी भी बैंक में आप यह अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन सबसे फायदेमंद होगा कि आप अपने बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी से ये खाता खुलवाइए ताकि आने वाले समय में बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी आपके सभी जमा पूंजी बचत खाता और भी तमाम योजनाओं का भरपूर लाभ दिलवा सकें और आपको घर बैठे एक बेहतर बैंकिंग सेवा का आनंद उठवा सकें। निवेदन करता हूं, अगर आप बैंकिंग कस्टमर सखी या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में एटलीस्ट जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है किस तरीके से पैसे आपको कहाँ रखना और कैसे रखना है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप अपने बचत खाता में पैसे रखते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप।
अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है तो आपको 2.70% का मात्र ब्याज मिलता है, वो भी अगर आप 365 दिन आप अपना पैसा रखते हैं तो। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको रोज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपके खाते में जमा होता है, तो बेहतर होगा कि आप एक रिकरिंग डिपॉजिट खाता अपने नजदीकी बैंकिंग कस्टमर सखी से जरूर खुलवाएं। निवेदन करता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों को भी ये चीज जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।